أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دادا ميم هندي کے غیر مطبوع تحریر کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں دیکھیے دادا ميم هندي ہمارے پیر و مرشد ہم لوگوں کے پیر و مرشد کیا بیان کرتے ہیں اور کیا سوچ رکھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا تبرک ہے इसको हम लोग जरा बगौर समाध कर लें। आज का उन्वान है फर्जियत और असलियत। फर्जियत और असलियत के मौजू पर बड़ी लंबी तहरीर इन्होंने लिखा है, फिर भी हम लोग जीरा नहीं करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अगर जीरा करना शुरू करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन जीरा नहीं करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। जहां पर जो बात नहीं समझ में आएगी थोड़ा रुक लेंगे, या फिर आप लोग इशारा कीजिएगा कि थोड़ा सा इसको, है ना, नहीं तो हम बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि तहरीर लंबी है, बोर नहीं हो जाइएगा आप लोग। फर्जियत और असलियत। दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह रकम तराज हैं। दुनिया की तमाम चीजों का एक असल और हकीकत होता है। हम पढ़ रहे हैं, हमारे मुंह से बात निकल रही है, लेकिन बात दादा मीम हिंदी की है, लिहाजा उनका ही तस्वुर रखिएगा। लिखते हैं कि दुनिया की तमाम चीजों का एक असल हकीकत होता है और एक नकल और फर्जियत होता है। एक असलियत होती है और एक फर्जियत होती है। फर्जियत माने नकली। जैसे कि आप और आपकी सूरत और एक आपकी ही कागजी तस्वीर, आप खुद हैं और एक आपकी तस्वीर हो, दोनों में फर्क है ना भाई, इस फर्क को समझना है। दोनों हूबहू एक जैसा एक ही सूरत का होगा, ऐसी कि तस्वीर में भी आपकी सूरत आप ही की सूरत के मुशाबे होगी, लेकिन आप एक जीता जागता मुसल्लम हकीकत और असल हैं और आपकी तस्वीर महज नकल और फर्जियत होगी। समझते चलिएगा, दोनों में इतनी बड़ी मशाबहत के बावजूद कितना बड़ा फर्क है। आज की दुनिया में नकल और फर्जियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। आज की दुनिया में नकल और फर्जियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। दादा मीम हिंदी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले लिख रहे हैं। गालिबन आपने फिल्में देखी होंगी, एक फिल्म स्टार जो कुछ की अदाकारी करता है उसकी अदाकारी को तस्वीर यानी फिल्म की सूरत में खींच लिया जाता है और फिर उसी तस्वीर और फिल्म को इस खूबी के साथ दिखाया जाता है कि देखने वाले हरगिज तमीज नहीं कर पाते कि ये तस्वीर और फिल्म है, बल्कि देखने वालों को बिल्कुल हकीकत सा दिखाई पड़ता है। जब आप सिनेमा हॉल में, अब तो जमाना नहीं है सिनेमा हॉल का, लेकिन सिनेमा हॉल में जब जाके देखते हैं थिएटरों में, तो एकदम लगता है कि अलग दुनिया में आ गए, हूबहू लग रहा है कि जो स्टार है वही दिख रहा है साफ साफ बड़े बड़े सूरत में। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिखाया जाता है। देखने वाले तमीज नहीं करते कि ये तस्वीर फिल्म है, बल्कि देखने वालों को बिल्कुल हकीकत सा दिखाई पड़ता है, हालांकि वो महज नकलो तस्वीर होता है। ठीक मिसाल समझिए, ऐसा ही बिल्कुल यही सूरत अल्लाह की बंदगी और इबादत का है। मिसाल देते हुए समझा रहे हैं दादा हुजूर की, यही तरीका यही सूरत है अल्लाह की बंदगी और इबादत का। मैंने इसमें भी नकली असली है भैया, समझ के चलिएगा। एक वो लोग हैं जो अल्लाह की जात व असल की परस्तिश करते हैं और एक वो लोग हैं जो अल्लाह के जात व असल के बजाय अल्लाह के इस्म रस्म और फर्ज इबादत करते हैं। अल्लाह के नाम लेवा और हैं, अल्लाह को पहचानने वाले और हैं, है ना भाई। फर्ज परस्ती वाले और हैं, हक परस्ती वाले और हैं। दादा मीम हिंदी देखिए बहुत बड़ी निशानदेही करते हुए लिख रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ी मुशाबहत के बावजूद ऐसा ही फर्क है जैसा कि आदमी और उसकी तस्वीर में। इबादत और सूरत इबादत, इबादत और चीजें, लेकिन इबादत के तरह नजर आना, इबादत करते हुए दिखना और चीज है। इंसान और सूरत इंसान, तस्वीरें भी बसूरत आदमी ही होते हैं, लेकिन तस्वीर और बुत महज सूरत इंसान होते हैं, जबकि इंसान एक जिंदा हकीकत है। बस एक इबादत हकीकी इबादत है और एक इबादत महज सूरत इबादत। महज सूरत इबादत मान लगता है कि हाँ इबादत गुजार है, वो भी इबादत कर रहा, मगर इबादत तो इबादत कुछ नहीं कर रहा, इबादत के आयन से वाकिफ नहीं, इतना फर्क है। समझिए, सूरत इबादत है, एक बंदगी जात व असल की बंदगी है और एक महज फर्ज व नकल की बंदगी है।
एक वो है जब वो जुबान से अल्लाह कहता है तो उसका दिलो दिमाग अल्लाह की जात व असल का एक असर महसूस करता है, क्योंकि वो अल्लाह की हकीकत को जानकर अल्लाह की जात व असल को पहचान कर अल्लाह कहता है। यानी अल्लाह को जात को पहचान कर अल्लाह कहना कुछ और है और ऐसे ही अल्लाह अल्लाह कहना कुछ और है। यहाँ पर एक बात हमको याद आ गया, हजरत अबू बकर सिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने पहले जमाने में क्या करते थे कि बच्चों को चॉकलेट देते थे, मिठाई देते थे, तो अल्लाह अल्लाह कहता था बच्चा, कहते थे कि अल्लाह अल्लाह बोलोगे तो मिठाई देंगे। फिर वो मिठाई देते थे, बच्चे अल्लाह अल्लाह करता था, इनको बड़ी अच्छी लगती थी बात। एक जमाना आया कि बच्चे तो बच्चे बड़े अल्लाह अल्लाह करते थे, और जब इनको पता चला ये अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह से इसको कोई सरोकार नहीं है, तो डांटने लगते थे सब, भागो यहां से तुम लोग, झूठा है तुम लोग झूठ बोलते हो। फिर जो अल्लाह कहता था उसको मार के भगा देते थे, जो अल्लाह कहता था उसको मार के भगा देते। क्यों? क्योंकि समझ गए थे कि ये सब मकर फरेब में मुबतला है, झूठ मूठ का अल्लाह अल्लाह करता है। वही बात आ गई है, ऐसा हदीस भी है कि जो अल्लाह को जानता पहचानता है वो मुंह से अल्लाह अल्लाह नहीं कहता, जो अल्लाह को नहीं जानता पहचानता है वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह कहता है। ये भी हदीस है, ऐसी हदीसें नजर से गुजरी होगी आप लोगों की। तो एक वो है जब जुबान से अल्लाह कहता है तो उसका दिलो दिमाग अल्लाह की जात व असल का एक असर महसूस करता है, क्योंकि वो अल्लाह की हकीकत को जानकर अल्लाह की जात व असल को पहचान कर अल्लाह कहता है, इसलिए वो अपने दिलो दिमाग में अल्लाह के नाम की असर महसूस करता है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह की जात व असल का कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह कहते हैं मगर उनका दिलो दिमाग अल्लाह के मानी और हकीकत को नहीं समझ पाता और ना उनका दिलो दिमाग कोई तासीर महसूस करता है, क्योंकि वो गैर दानिश्ता अल्लाह अल्लाह कहते हैं। एक वो शख्स है जो कि जुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, लेकिन उसका दिलो दिमाग कलमा की हकीकत से नाआशना है। यानी कलमा की हकीकत से अगर आशना नहीं हुए तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह करने से काम चलने वाला नहीं है, और वही आशना होकर के उसको समझ करके पहचान करके करने से बहुत सी बात पैदा होती है। और एक वो शख्स है जिसे अल्लाह के जात असल का पहचान है, जब वो जुबान से कलमा तैयब पढ़ता है तो उसका दिलो दिमाग कलमा की हकीकत का एक तासीर महसूस करता है, क्योंकि वो कलमा की हकीकत को जानकर कलमा पढ़ता है, अल्लाह और उसके जात व असल को पहचान कर अल्लाह कहता है, इसलिए जब वो अल्लाह कहता है तो अल्लाह की अजमत व जलाल जात व सिफात का एक नक्शा उसके तस्वूर में खींच जाता है। कलमा पढ़ता है तो कलमा की तासीर अपने दिलो दिमाग में महसूस करता है, मगर वो लोग जो कलमा की हकीकत को नहीं जानते, अल्लाह और उसके जात को नहीं पहचानते, उनकी हर एक इबादत महज सूरत इबादत है, फर्जी है, वक्ती है, नकली है, हकीकी इबादत नहीं है, बल्कि वैसे लोगों का हर एक काम दीनी महज रस्म व इस्म है, क्योंकि वो इबादत को रस्म व इस्म समझते हैं, फर्ज व सुन्नत जानकर इबादत करते हैं, अल्लाह को सिर्फ इस्म समझ कर अल्लाह कहते हैं। उन्हें उसका एहसास तक नहीं होता कि अल्लाह महज नाम ही नहीं है बल्कि अल्लाह एक बेमिसाल हकीकत है, क्योंकि जिस चीज का इस्म होता है उसका एक वजूद हस्ती भी होता है। नाम सिर्फ नाम होता है जबकि नाम का एक वजूद हस्ती एक जिंदा हकीकत है। फर्ज सिर्फ फर्ज है, फर्ज सिर्फ फर्ज है, जबकि हर एक फर्ज और तस्वूर का एक हकीकत होता है। इबादत महज इबादत नहीं है बल्कि इबादतों की एक हकीकत चाहिए, तो ये कि पहले इबादतों की हकीकत को समझा जाए तब इबादत की जाए। दादा दावत दे रहे हैं कि इबादत की हकीकत को समझिए, बिना हकीकत को समझे इबादत मत कीजिए। पहले कलमा और अल्लाह की हकीकत को पहचाना जाए तब अल्लाह अल्लाह की जाए, क्योंकि अगर कोई अल्लाह की जात व असल को जाने बगैर अल्लाह का नाम लेता है, उसकी परस्तिश करता है, तो जाहिर है कि वो महज इस्म परस्त है। इस्म के वजूद हस्ती को वो नहीं जानता कि वो कौन है, वो क्या है, क्या चीज है। इस तरह अगर कोई नमाज पढ़ता है मगर वो नमाज की हकीकत को नहीं जानता, तो गोया कि वो रियाकार नक्काल है। रियाकार भी है और नक्काल भी, यानी डुप्लीकेटर, डुप्लीकेट कर रहा है, जाली है, फर्ज परस्त है, नमाज की नकल करता है, क्योंकि नमाज महज फर्ज और नकल नहीं है बल्कि नमाज एक हकीकी इबादत है, हक व असल है, फर्ज व नकल नहीं है। बस नकल और फर्ज परस्ती का ही दूसरा नाम बुत परस्ती, नकल और फर्ज परस्ती का ही दूसरा नाम बुत परस्ती। अल्लाह हू अकबर।
क्योंकि बुत परस्ती फर्ज और नकल परस्ती है और बुत परस्त फर्ज और नकल परस्त ही करते हैं, परस्ती को वही करते हैं। पत्थर या मिट्टी का एक मुजस्मा जो बसूरत इंसान होता है उसी को वो अपने देवताओं की सूरत समझते हैं और उसी बुत और तस्वीर को वो फर्ज कर लेते हैं कि यही मेरा देवता है या खुदा है। हालांकि वो देखते हैं कि ये बुत और पत्थर है, वो जान भी रहे हैं बुत और पत्थर है, लेकिन वो फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे देवता हैं। उसके बाद उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो देखते हैं कि ये बुत और पत्थर है, उनमें महज नकली सूरतें हैं। मुमकिन है कि उनके देवताओं की सूरत वैसी ही हो, सही बात, जैसे कि वो पत्थर के मूर्तियां की सूरतें बनाते हैं। बस मिट्टी या पत्थर के बुत और तस्वीर को ही फर्ज और तस्वूर कर लेते हैं कि यही मेरा खुदा है। उनका ऐसा फर्ज कर लेना ही उनकी बुत परस्ती, ऐसा फर्ज कर लेना ही बुत परस्ती है, क्योंकि वो अगर ऐसा फर्ज अपने दिल में ना कर लें तो वो हरगिज हरगिज बुत को खुदा नहीं मान सकते। उनका ऐसा फर्ज और तस्वूर कर लेना ही उनकी बुत परस्ती है, गोया के फर्ज परस्ती ही का दूसरा नाम बुत परस्ती है। लीजिए भाई, इन्होंने दोबारा रिपीट किया, फर्ज परस्ती ही बुत परस्ती है, यानी इनका ऐलान था कि फर्ज परस्ती बंद, हक परस्ती शुरू। अगर फर्ज परस्ती ना हो तो बुत परस्ती अपने आप खत्म हो जाएगी। दुनिया के तमाम कौमें करीब करीब ऐसा ही फर्ज और नकल परस्ती में मुबतला हैं, क्योंकि लोग फर्ज और नकल को ही असल हक समझ बैठते हैं। खासकर मुसलमानों को तो तमाम इबादत ही फर्ज है। खासकर मुसलमानों को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने लिखा कि तमाम इबादत ही फर्ज और फर्जी हैं। नमाज फर्ज वो फर्जी है, रोजा नकल फर्जियत है, और लोग फर्जी वो नकली तसव्वुरात और नक्श को ही असल हक हकीकत समझ बैठते हैं। अगर कोई हक परस्त उन्हें फर्ज की हकीकतें बताना भी चाहे तो फर्ज परस्त नकली वो फर्जी इबादतों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करेगा। अगर आप बताना शुरू करिएगा तो उन्हें सुनेगा। जैसे कि एक बुत परस्त को अगर बुत की हकीकतें और असलियत समझाया जाए तो वो अपने बुतों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करेगा, बल्कि कौम और मजहब के नाम पर तलवारें सोत लेगा। ठीक यही हाल फर्ज परस्तों का है। अगर एक हक परस्त फर्ज परस्तों को फर्ज की हकीकतें बताना चाहे तो फर्ज परस्त बुत परस्तों ही के मानिंद मजहब इस्लाम के नाम पर तलवारें खींच लेंगे, तलवार निकाल लेंगे, मगर वो हक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बनाई हुई पारंपरिक गतिविधियां जो है बंद होने वाली है, उनके बनाए हुए तमाम रस्म और रिवाज टूटने वाले हैं। ये बहुत गिरा होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको सुनना, उसको सलटना, क्योंकि फर्ज परस्त फर्जियत को ही असल हकीकत समझ बैठते हैं, फर्जी इबादतों को ही हकीकी इबादत समझते हैं, जबकि फर्ज महज फर्ज है जनाब, इस्म सिर्फ इस्म है, हक एक मुसल्लम हकीकत है, इसमें एक वजूद हस्ती है, इबादतें महज इबादत नहीं हैं, बल्कि इबादतों की हकीकत। लीजिए दादा हुजूर कह रहे हैं, इबादत सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि इबादत की हकीकत, यानी नमाज है तो उसकी हकीकत, रोजा है तो उसकी हकीकत, हज है तो उसकी हकीकत, और बाकी चीजें जो है उसकी भी हकीकत। अल्लाह सिर्फ अल्लाह इस्म नहीं है बल्कि मुसल्लम एक वजूद, एक शय, एक वजूद। हालांकि बड़ी गिरा लगेगी ये बात आम आदमी को, लेकिन दादा हुजूर रिटर्न में कह रहे हैं अल्लाह सिर्फ अल्लाह इस्म नहीं है, नाम नहीं है, बल्कि वजूद। वादतुल वजूद वालों को कोई तकलीफ नहीं है, तमाम मौजूदात अल्लाह की सूरत। लेकिन जिसके लिए, किसके लिए, जो इन बातों को मानने वाले लोग हैं, जो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं, जो सूफी अकराम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं, जो हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन जो ये इन चीजों को नहीं मानने वाले हैं उसके लिए खुदा का कोई वजूद नहीं, लेकिन सूफियों के लिए खुदा का वजूद है। बगैर वजूद का कुछ नहीं। वजूद इलाही के नाम से हमने अलग से वीडियो बना रखा है, मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों में दो किस्में हैं, एक फर्ज और सुन्नत परस्त और दूसरा हक और तरीकत परस्त। देखिए दादा मेहमिंदी कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दादा मेहमिंदी ने एक्सेप्ट कर लिया साहब, दादा मेहमिंदी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुसलमानों की दो टोलियां हैं, दो टोलियां हैं, एक फर्ज और सुन्नत परस्त और दूसरा हक और तरीकत परस्त। एक फर्ज और नकल की इबादत करता है
दूसरा हक को असल की परस्तिश करता है। लीजिए साहब, बट गए ना दुटोली में। एक अल्लाह की इस्म को जानता है, इस्म परस्त है, दूसरा अल्लाह के जात व असल को पहचानता है और उसके जात व असल की ही बंदगी करता है। हक परस्त है, बस एक इस्म व रस्म फर्ज परस्त है, दूसरा जात व असल हकीकत परस्त है। फर्ज परस्त वो लोग हैं, कौन लोग हैं सुनिए, फर्ज परस्त वो लोग हैं जिन्हें मुसलमान कहा जाता है। फर्ज परस्त वो लोग हैं जो मुसलमान कहे जाते हैं अल्लाह, और हक परस्त वो लोग हैं जिन्हें कलाम पाक में अल्लाह ने मोमिन का कर खताब किया। दादा मीम हिंदी ने भी मुसलमान और मोमिन को डिवाइड कर दिया। लीजिए सावा, मुसलमान रहेगा कि मोमिन, जो हक परस्त है वो मोमिन कहलाता है। और अल्लाह ने मोमिन की 6 सिफतें भी बयान की हैं। वाजह हो कि मोमिन कबल इस्लाम के ही मौजूद थे। अल्लाह, लीजिए ये भी कह रहे हैं कि मोमिन कबल इस्लाम के भी मौजूद थे, जैसा कि कुरान हमें खबर देता है कि मोमिन कौम नूह, कौम लूत, कौम मूसा में भी चंद लोग थे। कुरान में उसका जिक्र है, जा बजा मिलता है। बकिया काफिर थे, जैसे अजाब इलाही ने हलाक किया, मगर मोमिनों को अल्लाह ने अपने फजल करम से बचा लिया था। मोमिन रहिएगा भैया बच जाइएगा, काफिर रहिएगा गर्क हो जाइएगा, और मुसलमान रहिएगा तो भी नहीं बचिएगा, तो भी नहीं बचिएगा। इसलिए कि मैदान करबला में लड़ने वाले मुसलमान नहीं थे। मौला अली से कौन लोग लड़े थे भाई? इमाम हुसैन से, मौला अली से, और बड़े बड़े इमामों को जहर देने वाला कौन था? हिंदुस्तान से कोई गया था हनुमान चालीसा पढ़ के? नहीं, सब मुसलमान थे। बहुत अफसोस के साथ ये तवारीख हम लोग दोहराना पड़ता है। हम लोगों को मुसलमान था सब, मोमिनों को कत्ल करने वाला मुसलमान ही था। यही हाल मौजूदा कौम मुसलमान का है कि मुसलमान में कुछ ही लोग मोमिन हैं, बकिया सब के सब मुसलमान हैं। और मुसलमान अल्लाह ने सिर्फ नाम रखा है, मत समझिए, हाँ, उस कौम का, जैसा कि कुरान में हक ताला फरमाता है, बस फर्ज परस्त मुसलमान हैं और हक परस्त मोमिन हैं। जी जी जी, मुसलमानों और मोमिनों की बहुत बड़ी मशाबहत के बावजूद बहुत बड़ा फर्क है। ये जुमला बहुत भारी है भाई। मुसलमान और मोमिन देखने में एक ही तरह लगते हैं भाई, लेकिन दादा मीम हिंदी कह रहे हैं कि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसको समझिए, बहुत बड़ा फर्क है। मुसलमान इस्मी, जिस्मी, जाहिरी और साफ सिफात का नाम है। मुसलमान इस्मी, जिस्मी, जाहिरी, साफ सफाई का नाम है, खा दिल कितना ही सियाह क्यों ना हो। माने दिल काला हो कोई बात नहीं, मुसलमान रहिए तो मुसलमान है। दाढ़ी लंबी, टोपी लंबी, कुर्ता लंबा, पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये जाहिरी चीजें हो गई आपकी। आप मुसलमान तो हो गए, लेकिन अभी आप मोमिन नहीं हुए। समझ गए ना बात? जबकि मोमिन कल्बी और बातनी और साफ सिफात का नाम, और जिसका दिल पाक और बुजुर्ग होगा उसका जिस्म जुबान भी पाक और बुजुर्ग होगा, क्योंकि हर एहकाम की तामील दिली नीयत से होती है। आदमी जो कुछ करता है सो अपने दिल या नफ्स के वसवसा के मातहत ही करता है। हाँ, क्या बात है। जब तक दिल का इरादा ना हो, नफ्स का वसवसा ना हो, आदमी कुछ भी नहीं करता है। बस मोमिन अपने दिल, अपने नफ्स को ही पाक और बुजुर्ग और नेक बनाते हैं। मोमिन अपने दिल को और अपने नफ्स को पाक करता है, और जिसका दिल और नफ्स पाक बुजुर्ग है वही मोमिन है। इसीलिए तो सिखाया जाता है तज़किया नफ्स, तज़किया कल्ब और तंज़िया रूह। नफ्स की सफाई तज़किया नफ्स कहलाता है, दिल की सफाई तज़किया कल्ब कहलाता है, और रूह को मुजल्ला करने को तंज़िया रूह कहते हैं। बस मोमिन कल्ब बातनी औसाफ और सिफात और बुजुर्गी का नाम है, और मुसलमान जाहिरी जिस्मी औसाफ और बुजुर्गी का नाम है। मोमिन और मुसलमान में बहुत बड़ा फर्क है भाई, और फर्क यह है कि मोमिन अपने बातिन की सफाई करता है, यानी राह तरीकत अख्तियार करता है, और मुसलमान अपने जाहिरी जिस्मी सफाई में मुबतला रहता है। गुसल के आदाब, वजू के आदाब, गुसल की नीयत, वजू की नीयत, नमाज की नीयत, सुबह उठने की दुआ, शाम होने की दुआ, बैतुल खला दाखिल होने की दुआ, ये जाहिरी चीजें हुई, बातनी चीज नहीं हुई। अब बातनी चीजों के लिए आपको दादा मीम हिंदी कहते हैं कि बातिन की सफाई करना होगा, राह तरीकत इख्तियार करना होगा। राह तरीकत इख्तियार करना होगा मतलब आप लोग सभी समझ रहे हैं, क्योंकि सब लोग राह तरीकत में दाखिल हैं, सब लोग बैत हैं,
तो राह तरीकत में जो सबक दिए जाते हैं उस सबक को याद करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसमें रियाजत करनी पड़ती है, इबादत करनी पड़ती है। अब हजरत आगे लिखते हैं कि और मुसलमान अपने जाहिरी जिसमें सवाई मुतला रहता और इम्तियाज और वहम के तकल्लुफात में उलझा रहता और अपने बातिन से बेखबर रहता है, क्योंकि उसको बातिन का पता ही नहीं है, वो अंदर झांकता ही नहीं है। अंदर झकाने वाला जब उसको कोई पीर अपने राह पर ले जाता है तब बस। मुसलमान और मोमिन में यही फर्क है, इंसान और सूरत इंसान। इंसान एक जिंदा हकीकत है जबकि बसूरत इंसान मिट्टी का एक बुत, एक कागजी तस्वीर भी बसूरत इंसान होता है, मगर क्या वो इंसान है? हरगिज नहीं। ठीक यही कैफियत मुसलमान का है, एक महज सूरत इंसान है बजाहिर, दूसरा हकीकतन मुसलमान मोमिन बबातिन। और ठीक ऐसा ही हाल इबादतों का है, एक सूरत इबादत है फर्ज व नकल है, दूसरा हकीकी इबादत जात व असल है। मुसलमान जाहिरी जिस्मी और रस्मी इबादतों का परस्तार है, मोमिन कल्बी बातने यानी राह तरीकत का शेफ्ता व गर्विदा है, क्योंकि आदमी का असर उसका जाहिरी जिस्म नहीं बल्कि बातने कल्ब व जान है। जिस्म एक फर्जी वक्ती आला है जान के लिए, क्योंकि जान बगैर जिस्म के कुछ भी नहीं कर सकता। बगैर जिस्म के जान दुनिया के मौजूदा सतह पर ना जाहिर हो सकता है और ना बगैर जिस्म के जान अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। इसका सबूत यह है कि आदमी के कल्ब व जान में जो कुछ के अव्वल हो चुका होता है, जिस्म बाद में वही कुछ करता है। आदमी जो कुछ के पहले अपने दिमाग में सोच समझ और बोल चुका होता है, जिस्म जुबान बाद में वही कुछ बोलता है, क्योंकि जो अल्फाज अव्वल दिलो दिमाग में पैदा हो चुका होता है वही अल्फाज बाद में जुबान और जिस्म से अदा होता है। गोया कि जिस्म जुबान जान के लिए एक तर्जुमान बयान करने का आला है, मगर करने वाला जान ही होता है। अलगरज जो कुछ के करता है सो आदमी का कल्ब व जान ही करता है। जिस्म एक मशीनरी है जान के लिए, जैसे कि इंसान आज आसमान में परवाज कर रहा है, मिनटों में सैकड़ों मील की मसाफत तय कर लेता है, घर बैठे ही हजारों मील दूर की खबरें और आवाजें सुन लेता है, लेकिन सब के सब मशीनरी की ताकत से, अपने जिस्मानी ताकत से परवाज नहीं करता है और न ही अपनी जिस्मानी ताकत से दूर की खबरें ही लाता है, बल्कि मशीनरी ही की ताकतों से इंसान ये सब कुछ कर रहा है। ठीक यही हाल आदमी के कल्ब व जान का है कि वो जो करता है सो जिस्म की मशीनरी है, जान जो कुछ के करता है सो जिस्म की मशीनरी की ताकत से करता है। गर्ज आदमी का जिस्म जान के लिए एक अजीम मशीनरी है, जान जो कुछ के करता है सो जिस्म की मशीनरी की ताकत से। बस आदमी के जिस्म की असलियत यह है कि जिस्म एक अजीम और वक्ती मशीनरी है, करने वाला तो सब कुछ जान और कल्ब है। जिस्म की मशीनरी के अंदर रूपोस है, मगर इस आमक पने की क्या हद है कि लोग अपने जिस्म को ही असल और हक समझ बैठे हैं, अपने जिस्म को ही असल समझ बैठे हैं। कितना बेवकूफ है हम लोग, जबकि जिस्म की असलियत वाज़े है और आया है कि जिस्म एक वक्ती मशीनरी है। जब जिस्म की मशीनरी टूट जाती है या नाकारा हो जाती है तो कल्ब जान अपने लिए दूसरा मशीनरी मुहैया कर लेता है, ताकि वो जो कुछ के करने को आया है, जो कुछ के वो जिस्म की मशीनरी से करना चाहता है, सो उसके करने में कोई रुकावट ना हो। आदमी का कल्ब जान जिस्म के साथ मुंसलिक है, वाबिस्ता है, जब तक के जिस्म की मशीनरी में करने की ताकत बाकी है। जब जिस्म की मशीनरी में करने की ताकत खत्म हो जाती है तब कल्ब जान जिस्म से अलहदा हो जाता है। गर्ज इंसान की असलियत कल्ब जान ही है, जिस्म जुबान महज वक्ती या फर्जी है। चाहिए तो यही था कि लोग अपने कल्ब जान की सफाई करते। आज हमारे सीनियर पीर भाई जनाब हजरत जैनुल आबिदीन साहब किबला मदज़िल्लहु लाली हमारे मजलिस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिस्मानी तौर से उनका वक्त हो गया था, वो चले गए। कल के डेट में हम लोग भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, हम लोग रहेंगे। वही चीज दादा हुजूर कह रहे हैं कि चाहिए तो यही था कि लोग अपने कल्ब व जान की सफाई करते। कल्ब व जान से ही अल्लाह की इबादत की जाती। देखिए आ गई ना बात, कल्ब व जान से ही अल्लाह की इबादत की जाती। मगर मुसलमान अपने जिस्म जुबान से इबादत करते हैं, जिस्म जुबान ही की सफाई करते हैं, जबकि जिस्म जुबान एक वक्ती मशीनरी है, वो नहीं रहेगा साथ, चला जाएगा। ऐसी इबादत कीजिए और ऐसा काम कीजिए कि वो आपके साथ इस जिस्म के खत्म होने के बाद भी जा सके, कायम रहे। कितनी बड़ी बात है। बस फर्ज परस्तों की इबादतें फर्जी हैं, जिस्मानी हैं, जिस्मी हैं और जुबानी हैं, जो कि ला हासिल है, जबकि मोमिन की इबादत हकीकी इबादत है
क्योंकि मोमिन अपने कल्ब और जान से ही अल्लाह की इबादत करता है, अपने कल्ब और जान की सफाई करते हैं, राह बातिन यानी तरीकत का रास्ता अख्तियार करते हैं, और तरीकत कल्ब और जान ही की तरह बातिनी चीज है। बस मोमिन की इबादत हकीकी इबादत है, मुसलमानों की इबादतें फर्जी और जिस्मानी इबादतें हैं, लेकिन मुसलमान फर्ज और नकल को ही असल समझ बैठे हैं। इस अहमक पने की भी कोई हद है? कोई हद नहीं है। इस्लाम जो दुनिया का अव्वल और आखिर मजहब है, जिस मजहब की दुनिया के तमाम मजहब पर बरतरी फजीलत हासिल है, इसी मजहब इस्लाम के पैरोकार इस्लाम की हकीकतों से नाशना और बेबहरे हैं। क्या गजब है कि मुसलमान इस्लाम की हकीकतों को हकीकत पे ही फर्ज सुन्नत तस्वूर करते हैं। मजहब इस्लाम की किताब हक कुरान, जिसकी तमाम हकीकतों पर हुक्मरानी है, उसी किताब हक से फर्ज परस्त मुसलमान हकीकतों की जगह फर्ज सुन्नत के मानी आख्ज करते हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में गंदुम खाया था, नमाज पंजगाना फर्ज सुन्नत, नफिलो वितर पढ़ने की चीज है, हालांकि किताब हक कुरान में नमाज की रकत फर्ज सुन्नत का कोई जिक्र ही नहीं है। और न आदम ने जन्नत में वाकई गंदुम खाया था, हकीकत यह है कि अल्लाह ने गंदुम की मिसाल से आदम को समझाया था। हवा के वजूद में गंदुम नुमा एक फल है, उसको मत खाइयो, खाओगे तो उसे अपने नफ्स पर जुल्म करोगे और जन्नत से निकल जाओगे, लेकिन वो फल हवा के जिसमें खाने ही के लिए था, बस आदम ने वो फल को खा लिया, यानी आदम ने हवा को सजदा किया, हवा के साथ वासिल हुए, और इरशाद हक के मुताबिक आदम अपने नफ्स की हलाकत के साथ ही जन्नत से आप ही निकल आए और ये मौजूदा दुनिया कायम हुआ। अब जरा गौर करें, हकीकत क्या है, मगर फर्ज परस्तों ने हकीकत का फर्जी माना अख्ज कर लिया है। जैसे आदम सचमुच गुनाहगार थे, हव्वा आदम के निकाह में आ चुकी थी, तो क्या अपनी निकाही के साथ सोबत गुनाह है? हरगिज नहीं, ये तो फर्ज परस्तों की फर्ज परस्ती है। अब हम बहुत जल्दी जल्दी कुछ रहस्यमय बातों को पढ़ते जा रहे हैं, पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा। अगर आदम हव्वा के साथ वासिल ना होते तो ये दुनिया क्यों कर कायम होता? आदम ने जो कुछ के किया सो अल्लाह की मसलहत के मुताबिक ही किया, कुदरत का इरादा यही था। इसी तरह नमाज सलात और जकात की असलियत कुछ और है, मगर फर्ज परस्तों ने कुछ और ही मानी अर्ज़ कर रखा है, नकल और तस्वूर को ही असल हकीकत समझ रखा है। इरशाद इलाही यानी अल्लाह के हुक्म का इरादा कुछ और है, मगर फर्ज परस्तों ने हुक्म को ही इरादा समझ लिया है। अल्लाह ने सलात और जकात का हुक्म इस तरह से किया है, इससे सलात और जकात दोनों ही एक चीज़ है, यानी सलात ही जकात है या जकात ही सलात है, सलात का ही नाम जकात है या जकात का ही नाम सलात है। गर्ज सलात और जकात, जकात और सलात, सलात और जकात दो अलहदा चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही। और हकीकत भी यही है कि सलात ही जकात है और जकात ही सलात है, जिसने अपने सलात को कायम किया गोया कि उसने जकात वाजिब अपने माल से दिया। सलात के बारे में कुरान का हुक्म है कि कायम करो सलात और दो जकात। अब जरा गौर कीजिए, कायम करो सलात अपनी लफ्ज अपनी से अल्लाह के हुक्म इरादा किया, क्या सलात जकात अपनी है, अपनी कायम करने की चीज है, या कि सलात अल्लाह के लिए है और पढ़ने की चीज है? बहुत ही तल्ख बातों को बड़े साल लहजे में दादा हुजूर लिखते जाते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, पकड़ सकें तो पकड़िए, नहीं पकड़ सकते मत पकड़िए। अगर सलात पढ़ने की चीज है तो जकात को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ने से सलात कायम हो जाता है तो पढ़ने से जकात भी अदा हो जाएगी, क्योंकि सलात और जकात एक ही साथ है। अल्लाह ने उसका जिक्र इस तरह से किया है जैसे दोनों ही एक चीज है। हकीकत यही है कि सलात और जकात दो चीजों का नाम नहीं, बल्कि एक ही अमर और अमूर का नाम है, और सलात कायम करने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है। जिसने अपना सलात कायम किया गोया कि उसने जकात दिया अपने माल का, क्योंकि जकात का बुनियाद रखने से ही सलात कायम होता है। यह सलात को कायम करने के लिए अव्वल जकात की बुनियाद रखने की जरूरत है। जब तक के जकात की बुनियाद न रखी जाए सलात कायम नहीं होता। ये तो फर्ज परस्तों की फर्ज परस्ती है कि उन्होंने सलात को कायम करने की जगह पंजगाना पढ़ने का चीज समझ लिया। सलात इबादत हकीकी है, इबादतों में सबसे वाहिद इबादत है, मगर फर्ज परस्तों ने हकीकी इबादत को भी फर्जी बना दिया है, क्योंकि उनके दिमाग में ये जोद तकवा का एक सियाह पर्दा है, अगरचे जोद तकवा की असलियत भी उनके समझ से बाहर है। उनके दिमाग में जोद तकवा का एक सियाह पर्दा है। क्या जुमला, जोद तकवा का एक सियाह पर्दा है, बताइए क्या जुमला है। हाँ, अगर जोद तकवा के यही मानी होते हैं जैसा कि वो ख्याल करते हैं समझते हैं, तो पैगम्बरों को सौ सौ, तेरह तेरह
और छह छह बीवियां अलावा लौंडियां नहीं होती, बल्कि पैगंबरान और असहाब को बार शादियां नहीं करते, मगर वो लोग हक परस्त थे, हक परस्ती ही उनका ईमान और किरदार था। लेकिन उन फर्ज परस्तों को निगाह उनके किरदार तक नहीं पहुंच पाती और न फर्ज परस्त उनके किरदार को समझ पाएंगे। बाहर कैफ सलात कायम करने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। और जब कोई इंसान किसी एक चीज को कायम करना चाहता है तो अव्वल उसका संग बुनियाद रखता है, फिर उसकी तामीर करता है। जब जाकर वो चीज कायम होती है, ठीक उसी तरह जब लोग अपने सलात को कायम करने के लिए अपने जकात के संग बुनियाद अपनी और अपने करीबियों के साथ, अपने मुकर्रिबों के साथ खुलाए आजम में रखते हैं, खालिक आजम के साथ रखते हैं, तो अल्लाह उस बुनियाद की तामीर बजात खुद अपने हाथों से करता है और उसका सिला देता है। बस इस तरह से कायम होता है अपनी सलात, अपनी जकात संग बुनियाद से। नमाज एक खुला हकीकत है, फर्ज तस्वूर का नक्शा असल हक को समझाने के लिए ही खींची गई है। लेकिन अगर कोई फर्ज नकल को ही असल समझ ले तो कसूर समझने वाले का है, तालीम देने वाले का, पैगंबरों का नहीं, बुजुर्गान दीन का नहीं, वलियों का नहीं। क्योंकि उन लोगों की हैसियत एक मुअल्लिम की जैसी थी, एक टीचर की तरह थी, उस्ताद की तरह थी। मुअल्लिम बच्चों को तालीम देने के लिए बहुत सी फर्जी दास्तान और कागजी तस्वीर दिखलाता है, मिसालें बताता है, ताकि बच्चों के जहन में फर्जी तस्वीरों से असली बातों की हकीकतें रोशन हो सकें। ठीक यही कैफियत पैगंबरों और बुजुर्गों का है। लोगों को तालीम हक के लिए फर्ज तस्वूरात का नक्शा खींच कर दिखलाया, मगर लोग फर्ज तस्वूरात को ही असल हक समझ बैठे। बस फर्ज तस्वूर असल हक नहीं है, बल्कि फर्ज तस्वूर से चाहिए कि लोग असल हक को समझने की कोशिश करें। पस सलात फर्ज तसव्वुर नहीं है, बल्कि असल हक है और कायम करने की चीज है। कायम करो सलात अपनी और दो ज़कात अपनी हलाल माल के से। वमा अलैना इल्लल बलाग।